शांति। अभी आप लोग बच्चे नहीं रहे, मेरा मतलब है क्रिकेटर बन चुके हो। क्रिकेटर, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम का हिस्सा बन चुके हो तुम लोग। तालियां। तो बच्चों हमारी टीम तो रेडी है, बस कमी है तो एक कैप्टन की। एक कैप्टन सिलेक्ट करने की जरूरत है। कैप्टन सिलेक्ट हो चुका है सर। सर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जैसा कैप्टन आप टॉर्च लेके ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बाकी कैप्टन्स के चेहरे पे लिखा रहता है वो कैप्टन है, पर मेरे पूरे बॉडी पे लिखा है कि मैं कैप्टन हूँ सर। ओए मोंटू, हर जगह कैप्टन कैप्टन लिखने से ना कोई कैप्टन नहीं बन जाता। कैप्टन बनने के लिए कैप्टन के गुण होने चाहिए, जैसे धोनी, और इधर हमारी टीम में मानव। ये मानव तू बनेगा कैप्टन तू। अरे पिद्दी, तू तेरी पूरी ताकत भी लगा लेगा ना तो भी तू 12th मैन ही बन सकता है, कैप्टन नहीं। कैप्टन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बनेगा, समझा? हाँ मोंटू जी, आप सही कह रहे हो, मैं 12 में नहीं बन सकता हूँ। रुको, मैं सबके लिए पानी लेकर आता हूँ और आपके लिए स्पेशली नींबू पानी लेकर आता हूँ। मानव रुक, और हाँ मोंटू मेरी बात ध्यान से सुन ले, मेरे होते हुए ना तेरी धमकी नहीं चलेगी। कैप्टन सिर्फ मानव ही बनेगा, समझा? अरे मेरे जाने देना, मोंटू जी का इतना ही दिल कर रहा है कैप्टन बनने का, तू नहीं बनने देना। नहीं, कैप्टन तू ही बनेगा, और कोई भी बीच में आया ना मैं उसे पीट दूंगी। ये कैप्टन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही बनेगा। नहीं, मानव बनेगा। नहीं, मैं बनूंगा। मैंने कहा ना मानव बनेगा। मोंटू बनेगा। मानव बनेगा। मोंटू बनेगा। मानव बनेगा। अरे अरे झगड़ा मत करो, देखो मोंटू भी कैप्टन नहीं बनेगा और मानव भी नहीं बनेगा, कैप्टन मैं बन जाऊंगा। चुप कर बल्लू। एक मिनट, कब से देख रहा हूँ बच्चे, थोड़ी देर झगड़ा करेंगे और शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम लोग शांत होने की तैयारी नहीं है। मेहर ने झगड़ा चालू किया, मैं तो चुपचाप कैप्टन बनने आया था। मंटू, इतनी आसानी से कोई कैप्टन नहीं बनता। शाम को प्रैक्टिस के बाद हम लोग कैप्टनशिप के लिए वोटिंग करेंगे, उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा कैप्टन, समझाओ इसको। अरे पूरे बॉडी पे कैप्टन लिख के कोई कैप्टन नहीं बनता। कैप्टन तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही बनेगा। बॉस, सब बच्चों इधर आओ, बर्गर मेला है, इधर आओ 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 और फ्री का बर्गर खा के जाओ और मोंटू बॉस को अपने स्कूल का कैप्टन बनाओ, वोट देके क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाओ। आओ आओ जल्दी जल्दी बर्गर खाओ। आओ आओ आओ, आज मैं तुम सबको बहुत मजा दिलाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ बैठ के मैं भी बर्गर खाने वाला हूँ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम लोगों के साथ बैठ के बर्गर खाने वाला है। मतलब खाऊंगा, मैं भी बर्गर खाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। अरे मोंटू बॉस, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी किया करो। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप इनके साथ बैठ के बर्गर खाओगे? अरे उसमें क्या हुआ? अरे उसमें क्या बॉस, ये सब बच्चे ना आपको इनसाइड आउट जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर आप इनके साथ मिलकर बर्गर खाओगे ना तो इनको एक भी बर्गर नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत बोलो। हाँ, मैं अभी कुछ करता हूँ, रुक। अरे अरे बच्चों, तुम तो बड़े सेंटी हो जाते हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम लोग ही बर्गर खाओ, मैं बर्गर को छूऊंगा भी नहीं। अरे छूने की तो दूर की बात, मैं तो बर्गर को देखूंगा भी नहीं। आ जाओ मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आ जाओ चलो खाओ बर्गर, चलो आ जाओ खाओ खाओ बर्गर खाओ। लो बर्गर, लो बर्गर, लो खाओ खाओ बर्गर खाओ और मोंटू बॉस को क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाओ। खाओ खाओ। बर्गर, अरे मैं जाने देना, फटाफट से एक बर्गर खा के आता हूँ, बाद में अपनी वो मानव को दे दूंगा। हाँ अच्छा आइडिया, मैं भी जाता हूँ उसके साथ। चलो एक मिनट, मेरी टीम से कोई भी वहां नहीं जाएगा वरना पीट दूंगी। अरे मेहर, तू किस किस को पीट दूंगी बोल के रखेगी? और वैसे भी ये वोटिंग कॉन्टेस्ट मोंटू ही जीतने वाला है। जाने देना इन लोगों को, ये भी बर्गर खा के आ जाएंगे। जाओ तुम दोनों। थैंक यू। अब रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। अरे फ्रेंड्स, हम बर्गर तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन मानव मेहर से थोड़ा मैथ सीख लेते ताकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सही बात है। हाँ चलो मानव मेहर के पास चलो। अबे बर्गर बाद में नहीं मिलेगा फ्री में। अरे 50 रुपए का बर्गर है, रुकना। अरे अरे तू ये लो, इंपोर्टेड वीडियो गेम है, आके लेके जाओ। हाँ इसके पापा जापान से लाए हैं। आ जाओ ये देखो कितने सारे। हाँ लो लो आओ आओ। हम सब होमवर्क कर देंगे, हम सब इन सिद्धियों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोहित, मानव है, मेरा भी होमवर्क कर दो ना। मोंटू बस कैप्टन नहीं बनेंगे चलेगा। जाने दो, मेरा होमवर्क कर दो। मानव ही कैप्टन बनेगा, मैं वोट दूंगा मानव को। हाँ बेवकूफ, सॉरी बस सॉरी, क्योंकि मैं आपको छोड़कर फिर मानव मेहर के पास चला गया। मेरा होमवर्क कंप्लीट कराना है। अरे बेवकूफ, मैं तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू उनके पास गया। मैं तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू उनके पास गया ही था ना, तो मेरा भी होमवर्क कराना चाहिए था ना, बेवकूफ कहीं का। मोंटू, जो सामान मंगाया था वो लेके आया। थैंक यू अंकल। ये सब क्या है बॉस? पकड़। अब देख, वाह बस वाह। अब आगे देख। वाह बस वाह, कुछ समझा मोंटू? बस माना कि मैं आपके साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना मुझे आपके साथ रह के होना चाहिए था। मतलब मुझे ये कहना है कि बॉस, ये जो बॉल है ना वो रिमोट से कंट्रोल होता है, और ये जो बैट है उसके अंदर कुछ फिट किया है जिसके वजह से इसके अंदर ज्यादा पावर आ गई है। शाबाश मेरे चमचे, शाबाश, सही कहा तूने। मैंने इस बैट के अंदर माइक्रो स्प्रिंग फिट करवाई है एक्स्ट्रा फोर्स के लिए। अब मैं उस विद्धि मानव को 1 ओवर के मैच के लिए चैलेंज करूंगा, और वो गधा तो नॉर्मल बैट बॉल से खेलेगा, और मैं ये मेरी स्पेशल बैट बॉल से खेलूंगा और फिर मैं उसे हरा दूंगा और कैप्टन बन जाऊंगा। और मोंटू बॉस, फिर वो वोटिंग का क्या होगा? अरे बेवकूफ, हम लोग को इलेक्शन में खड़े क्या? जो जीत का फैसला हम वोटिंग से करेंगे। ये मेरे और उस बिद्दी के बीच के खेल का मामला है, इसका फैसला भी खेल से ही करेंगे। देखना, मैं उस बिद्दी को इतनी बुरी तरह हराऊंगा ना कि वो नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने कैप्टन बनने का सपना भी नहीं देखेगा। मोंटू, बालवीर के होते हुए तुम्हारा मानव को धोखे से हराने का इरादा कभी कामयाब नहीं हो सकता। राजा हस्पताल की जय, राजा हस्पताल की जय, राजा हस्पताल की जय, राजा हस्पताल की शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत ही टेस्टी है। हारने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे पहली बॉल पे आउट करने वाला हूं। चुप करो सब लोग, तुम्हारा ये प्यारा मानव है ना, 0 पे आउट होने वाला है। 0। अच्छा, मोंटू बॉस ने आउट स्विंग बॉल डालने का इशारा किया है। इसका ये मतलब है कि बैट्समैन से दूर जाती हुई गेंद का इशारा किया है। ओके बॉस, अब बस गेंद डालो। काटी परी, मोंटू की चाल कामयाब ना हो पाए, मोंटू की गेंद उसके ही हाथ में चिपक जाए और उसके हाथ से निकल ना पाए। मोंटू बॉस, जी ये मोंटू बॉस क्या कर रहे हैं। मोंटू बॉस ने आउटस्विंग बॉल डालने का इशारा तो किया लेकिन बॉल हाथ से छोड़ी ही नहीं। ये मोंटू बॉस इस बॉल में फास्ट वाली बॉल डालूंगा जिससे मानव पिच छोड़ के भाग जाएगा। प्यारा प्यारे प्यारा हमारा राजा मुंह धो के आ रहा। प्यारा प्यारे प्यारा हमारा राजा से प्यारा। अंता बनता संता शांत हो जाओ मेरी प्यारी जनता। आल बाल ताल आज होगा मजा मस्ती और धमाल। क्योंकि आज है हमारा हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मतलब जन्मदिन। और आज के दिन हम खेलते हैं कोई खेल जैसे पिछली बार खेला था तांगा तांगा मतलब फुटबॉल। तो इस बार हम खेलेंगे लपम लपा टपम टपो। मतलब क्रिकेट। और टीमें होंगी वही दो जो थी पिछले साल। एक हमारी रॉयल टीम और दूसरी प्रजा की टीम। पिछले साल हमने फुटबॉल खेला था 0 लोग के गोले के साथ। और इस बार हमने सोचा है हम खेलेंगे पृथ्वी लोक के गोले के साथ। प्रधान पिचकू इधर आओ। कहाँ है हमारा गोलम गोला 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 तल्लम तल्ला बल्ला बल्ला? कहाँ है बताओ? हैं? आ गया हमारा गोला और बल्ला। लाओ 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 हमारा बल्ला दो, हमें बल्ला दो बल्ला दो बल्ला। तारा तेरी तुरु तुरु। अब होगा खेल चुनु चुनु। मैं अपनी और वाट नहीं लगा सकता। मुझे नहीं बनना कैप्टन, मैं बिना बैटिंग के हार मानता हूँ। तो मैं कैप्टन हूँ ना? तू बन गया। काफ ताफ बाफ, खेल शुरू करने से पहले कर लेता हूँ इस गोले को साफ। ये गोला तो है कुछ ज्यादा ही गंदा, लगाना पड़ेगा थोड़ा और हंगा। मुझे एक बात तो बताओ, अष्ट पष्ट कष्ट, अगर मैं खेलूंगा इस गोले से तो क्या हो जाएगा ये नष्ट? ओला ओला ओला, अगर ये हो गया नष्ट तो ले आएंगे नया गोला। क्या बात है, क्या बात है प्रधान पिचकू, वाह भाई वाह। कोला कोला कोला, तो जल्दी फेंको ये गोला, अक्का बक्का पक्का, देखना मारूंगा पहली बोल बड़ी चक्का। बच्चा बच्चा, अरे अरे सारे बच्चे कहाँ गए? बाहर तेज हवाएं चल रही है और मैं यहाँ पे अकेला हूँ, वो भी बिना चश्मे के। मम्मी मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा? थैंक गॉड बाकी बच्चे भी आ गए। कहाँ चले गए थे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के? एक तो बाहर तेज हवाओं का खतरा है और यहाँ उस पानी के टैंकर मोंटू का खतरा है। उस गेंडे का रिकॉर्ड है, ऐसे टाइम पे वो हमेशा और बड़ी मुसीबत खड़े कर देता है। अरे यार, तू उस मोटे हाथी गेंडे गैस के गुब्बारे से क्यों डरता है? अरे वो है मोटा, लेकिन उसमें पावर ना इतनी सी। हाँ सही बोला तूने, उसका शरीर हाथी जितना है और हिम्मत तो चूहे जितनी भी नहीं है। और अकल की तो बात ही मत पूछो, मटर के दाने जितनी अकल है उसमें। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो उससे भी इस्तेमाल नहीं करता। अरे इन्हें क्या हुआ? मेरा चश्मा। तू चल, पहले तो मोटा डरना ढूंढूंगा, फिर इस पिद्दी मनो की बैंड बजाऊंगा और उसके बाद तेरी बैंड बजाऊंगा। अरे ए रुको रुको मल्ले, अरे रुको, अरे अब मैं क्या करूं? अरे मानव, मानव ये ले चश्मा पहन, वो तूफानिया आता ही होगा, चल भाग। पिद्दी तेरी आ गया वो पिद्दी मानव। मोंटू बॉस लगता है वो तेज हवा मानव को उड़ा के लेके चली गई। बस भागो यहाँ से, तेज धार गेंद डालो। परम परम परम, शॉट मारने से पहले चेक तो कर लूं बॉल सख्त है या नरम। अगर सख्त हुई तो जोर कम लगेगा, पर अगर नरम हुई तो छक्का लगाने के लिए और जोर लगाना पड़ेगा, समझे? आग आग आग, देखा मेरा दिमाग। हुआ हुआ हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। गोला इधर दो। लिया लिया लिया, इसी ने मेरी उंगली को पकड़ लिया। अन्नी अन्नी मंटू, बस अगर अपनी जान बचानी है तो भाग लो, वरना वो तेज हवा है ना, जैसे मानव को उड़ा के लेके गई वैसे हमें भी लेके जाएगी। अरे यार, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? रोहित, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू जरा चेक करके आना कि वो तेज हवाएं बंद हुई या नहीं। मैं क्यों जाऊँ? बस आप जाओ ना, आप जाओ। मैं तू जा ना, तू चमचा है ना मेरा। पर बस आप तो बॉस हो ना मेरे, तो जाओ जाओ जाओ, आप जाओ, आप ही से तो सब सीखा हूँ, जाओ जाओ। रोहित 5 बर्गर खाएगा? खाएगा ना? खाऊंगा। तो जा, देख क्या तेज हवाएं बंद हुई या नहीं। देखता हूँ, आपके देखने के चक्कर में भगवान मुझे देख लेगा। कौन हो तुम लोग और पृथ्वी लोक के गोले के साथ क्या कर रहे हो? टिक टॉक टॉक, ये है शरारती लोग। कटकटोल, हम हैं यहाँ के राजा हसमटोल और हम खेलेंगे पृथ्वी लोक के गोले के साथ क्रिकेट आज। राजा हसमटोल, तुम जिसे गेंद समझ रहे हो वो गेंद नहीं है, वो पृथ्वी लोक है जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं और तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। तोड़ो 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 ये बेकार की बातें और मेरा बल्ला भी छोड़ो। आक्रमण तुमने किया, आक्रमण अब झेलो मेरा आक्रमण, मेरी सेना। इस आक्रमण का जवाब आक्रमण से देना। कितने समय वापस शुरू हो गई है। अरे रोहित, मुझे दीवार को पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि दीवार ने तो मुझे पकड़ के रखा है। बॉस, ये है क्या बॉस? दिखाई नहीं देता कि मैं दीवार से चिपका हुआ हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे किसी ने चिपके हुए देख लिया ना तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपको डरपोक समझेंगे, डरपोक। तो लोग नहीं, लोग देख क्या रहा है? निकाल मुझे। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाहर सब नॉर्मल हो गया है और ये नॉर्मल सब बाल वीर की वजह से हुआ है। अरे असली कैप्टन तो बाल वीर है जो हमेशा बच्चों की मुसीबत अपने सर लेता है और बच्चों की रक्षा करता है। अरे सोच क्या रहे हो बॉस, बाहर चलो। हाँ चलो बेटा। नहीं सर, आई मीन सर, आप ऊपर के क्लास में जाइए और वहाँ बच्चों को बता दीजिए कि बाहर खतरा टल गया है, और मैं मेरी क्लास में जाता हूँ और वहाँ बच्चों को बताता हूँ कि बाहर खतरा टल गया है। ओके ओके गुड, यस। मोंटू बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? लगता है फिर कोई घटिया आइडिया है आपके इस मोटे दिमाग में ही। हाँ। सुन, मेरा प्लान। अब बाजी पलटेगी। मैं हीरो बनकर बच्चों की जान बचाऊंगा और उसके बदले बच्चे मुझे अपना कैप्टन बनाएंगे। चल। शक्ति तो खरी। मानव, तुम तेज हवाओं की वजह से तो मेरा जी इकट्ठा हो गया। पता नहीं और कितनी देर तक ये तेज हवाएं चलती रहेंगी। अरे भागो भागो जल्दी, अरे वो तेज हवा का तूफान है ना, वो हमारे क्लासरूम की तरफ याद है, भागो जल्दी भागो भागो भागो। अरे तू भी भाग महर, भाग 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 भाग। मोंटू बॉस, अब एक कैप्टन बनने के प्लान का पार्ट 2 शुरू होने का टाइम आ गया है। हाँ चल जल्दी इस क्लास का हुलिया बदलते हैं। ओके बस चलो। रोहित, अब मेरा थुलिया बिगड़ने का टाइम आ गया, पर थोड़ा सा बिगड़ना देख, ऐसे लगना चाहिए कि मैंने जान पे खेलकर इन बच्चों को उस तूफान से बचाया है, समझा? चला जा, आराम से मारना। का बदला ले रहा है तू। मोंटू बॉस, मैंने तो आपका कैप्टन बनने का रास्ता साफ कर दिया है। रास्ता नहीं, तूने तो मुझ पे तेरा हाथ साफ कर दिया है। अरे नहीं मोंटू बॉस, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने आपको इसलिए धोया ताकि आप इतने तेज हवाओं से मार खाए हुए लगो, और जैसे कोई विद्या आपको देखे तो उसे ऐसा लग जाए कि मोंटू ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई। लेकिन नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, बस नहीं किया। तू ही मेरा असली चमचा है। मैं तुझ पर शक कर रहा था, मुझे लगा कि तू तेरी जिंदगी भर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है मुझ पर नहीं रोहित, तू तो मेरी हेल्प कर रहा था। बस कर पगले, हंसाएगा क्या रुलाएगा क्या? हंसाएगा सुना, गलत सुना रे मेरे लाल, गलत सुना। ओला ओला ओला, बिना हमारे जादू के कोई नहीं ले जा सकता ये गोला। इस लोक के वासी, तूने हमारे रंग में डाला है भंग। अब मैं तोड़ूंगा इस गोले को, तुम रह जाओगे दंग। ये राजा ऐसे नहीं मानेगा, इसे मनाने के लिए कोई युक्ति ही लगानी पड़ेगी। रुक जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें राजा बनाया किसने? राजा वो थोड़ी ना होता है जो खुद के ही लोग के खुद की ही प्रजा के साथ खेल खेल कर खुद को महान समझे। अरे महान राजा तो वो होता है जो अपने लोग के बाहर किसी दूसरे के साथ खेले और उसे हराए। नीम नीम नीम, हमारी टक्कर की कौन सी है टीम? मेरी टीम। हाँ, मैं तुम्हें मेरे दल के साथ क्रिकेट खेलने की चुनौती देता हूँ। बोलो, स्वीकार है ये चुनौती? लेकिन इंतु किंतु परंतु, कैसे इतनी आसानी से तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर लूं? देखा, मैंने कहा था ना, तुम राजा बनने के लायक ही नहीं। तुम में तो एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं है। है, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। माजा माजा माजा, हम हैं हिम्मत से भरपूर राजा। हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। बोलो, राजा हस्मतोल जिंदाबाद, राजा हस्मतोल जिंदाबाद, राजा हस्मतोल जिंदाबाद। अंता बंता संता, शांत हो जाओ मेरी प्यारी जनता। तो ये तय रहा, हम खेलेंगे पृथ्वी लोक की टीम के साथ क्रिकेट का मैच। और ऐसे मारूंगा छक्के कोई नहीं कर पाएगा कैच। राजा हस्मटोल, क्रिकेट खेलने से पहले ये तो जान लो कि क्रिकेट का खेल इस बल्ले से नहीं खेला जाता। अब सब सेफ है, अब कोई खतरा नहीं है। आओ 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 आओ, आओ। हाँ, जल्दी आओ। अरे मोंटू, ये तुम्हें क्या हुआ? ये सब तो मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम सबकी रक्षा कर पाया। हाँ हाँ, पर तुम्हें ये हुआ क्या? अरे जब मैंने तुम सबको बाहर भगाया ना सेफली, तभी वो तेज हवा का झोंका क्लासरूम तक पहुंच गया और उसने मेरी और अपने क्लासरूम की ये हालत कर दी। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर मोंटू बॉस ने हमें क्लासरूम के बाहर नहीं निकाला होता तो हमारी भी मोंटू बॉस की तरह ऐसे हालत हो जाती। वाह मोंटू बॉस, वाह, आप महान हो, इस स्कूल की शान हो। नहीं रे रोहित, मैं महान क्या, मैं तो एक मामूली सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ जिसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। देखो दोस्तों, देखो, ये होता है असली हीरो जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाए। और एक ये मानव जो हमारी टीम का कैप्टन तो है लेकिन मुश्किल के समय भाग जाता है। देखो बच्चों, देखो कैसे ये बेशरम मुंह फाड़ के हंस रहे हैं। अरे ओ बेशरम, अगर तेरे में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आज बोल दे अपने मुंह से कि मैं नहीं हूं इस टीम का कैप्टन, बल्कि असली कैप्टन मोंटू बॉस है। मोंटू बॉस, फ्रेंड्स, ये मानो बोले या ना बोले, हम हमारी तरफ से मोंटू को हमारी टीम का कैप्टन चुनते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बोलो, लच्छे पे लच्छा मोंटू बॉस सबसे अच्छा, लच्छे पे लच्छा मोंटू बॉस सबसे अच्छा। ता हमको सब है पता क्रिकेट कैसे है खेलते, अब मैं हूं तुम्हें बताता। ये लोग क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इन्हें हम आसानी से हरा सकते हैं। छोटा है, राजा हस्मटोल, वैसे तो तुम्हें क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें क्रिकेट के बारे में कोई भी सीख चाहिए तो मेरे पास एक किताब है। क्रिकेट कैसे सीखे। ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। आओ माओ ताओ, जल्दी से मैच की शर्त बताओ। प्रतियोगिता की शर्त यह है कि अगर हम जीते तो पृथ्वी का गोला हमारा, और अगर हम ये प्रतियोगिता जीते तो ये पृथ्वीलोक का गोला हमारा। अष्ट पष्ट कष्ट, और जीतने के बाद हम करेंगे ये गोला नष्ट। मोंटू बॉस, इन पिद्दियों ने सर को बता दिया कि इन्होंने आपको अपना कैप्टन चुन लिया है। मोंटू बॉस, आप अपने हिसाब से फील्डिंग सेट कर लो, और ऐसी फील्डिंग सेट करना कि देख के मन मीठा हो जाए। पिद्दियों, तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा कि आज तक तुमने ना कभी देखी और ना ही सुनी होगी। नील, मनीष, तुम लोग वहां जाओगे। ओके कैप्टन। और वहां जो मेरी गाड़ी खड़ी है ना, और उसे जाकर ठीक से साफ करोगे। मेहर, तू स्लिप पे खड़ी रहेगी और मेरा होमवर्क कंप्लीट करेगी। और सलोनी, तू विकेट कीपिंग करेगी और मेरे लिए छाता पकड़ेगी ताकि मुझे धूप ना लगे। और पिद्दी, मानव, तू शॉर्ट लेग पे खड़ा रहेगा और मेरे शॉर्ट लेग दबाएगा। एक मिनट मोंटू, तू फील्डिंग सेट कर रहा है या फील्डिंग के बहाने हम सब से अपना पर्सनल काम करवा रहा है? हाँ, 2 in 1। एक तीर में 2 निशाने करना, ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की पुरानी आदत है। और अगर किसी ने भी मोंटू बॉस की बात नहीं मानी तो वो 12th मैन बनेगा और पूरा दिन भाग भाग के सबको पानी देगा। सोच क्या रहे हो? चलो काम पे लोगो। हाँ, वरना नहीं, हम सारा काम करते हैं। चलो बस, मैं आपको रेडी कर देता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अगर हमने मोंटू को कैप्टन बनाया तो उसका काम तो करना पड़ेगा। हम उसका काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। हम उसका काम ऐसे करेंगे जैसा ना तो उसने कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब हम मोंटू का जी खट्टा करेंगे। हाँ, तो चलो काम पे लग जाओ। चलो ये तो देख लो कि आपकी गाड़ी अच्छे से साफ हो भी रही है नहीं। देखो, अरे क्या कर रहे हो? अरे ऐसी कोई गाड़ी साफ करता है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मोंटू जी, आप गाड़ी को छोड़िए, पहले मुझसे अपने पाँव दबा लीजिए। नहीं चाहिए, मत दबाओ मेरा पैर, मत दबाओ। मोंटू, पहले तो इस छाते की छाव का मजा ले। हाँ। ये ले। अरे हटा, नहीं चाहिए मुझे। अरे नहीं चाहिए बोला ना यार। मोंटू, मैं तेरा होमवर्क करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो पेन है ना, एकदम बेकार है, काम ही नहीं कर रही है। देखो, लोग ये क्या? अरे इम्पोर्टेंट है, मत बंद करो। कोई जरूरत नहीं मेरा होमवर्क करने की। सॉरी मोंटू बॉस, आपने सही कहा। आज तक ना तो मैंने ऐसी फील्डिंग कभी देखी है और ना ही सुनी है। वेरी गुड नील, मनीष कंटिन्यू। वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड? अरे बंद करो, इम्पोर्टेंट गाड़ी है। रुको, उतर उतर नीचे। नष्ट करने पर तुले हैं और आप मुझे बर्बाद करने से रोक रही हैं। मैं हूँ अग्निकाल और हूँ मैं रेत दानव। ये देखो और ये देखो। अरे अब आपको समझ में आया कि ये दोनों दानव नटखट परी ने खेलने के लिए बनाए थे। रानी परी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बालवीर, बताइए क्या बात है? दरअसल पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। आपने राजा हस्मटोल को चुनौती देकर बहुत अच्छा काम किया, वरना पृथ्वी लोक को बचा पाना असंभव था। बालवीर, वाकई आपने बहुत ही अच्छी युक्ति निकाली है राजा हस्मटोल के दल के साथ क्रिकेट खेलने की, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों को क्रिकेट खेलना नहीं आता और अब बड़ी ही आसानी से उन लोगों को इस खेल में हरा देंगे और बहुत ही चालाकी से पृथ्वी लोक को नष्ट होने से बचा लेंगे। लेकिन बालवीर, आपकी तरफ से राजा हस्मटोल के दल के साथ ये खेल खेलेगा कौन? परियो, क्योंकि ये प्रतियोगिता जादुई शक्तियों के बिना खेली जाएगी, इसलिए राजा हस्मटोल के दल के साथ ये खेल खेलेंगे एवीपी विद्या मंदिर के बच्चे। और वैसे भी खेल में अभी 2 दिन का समय बाकी है और इसलिए उन्हें अभ्यास का भी समय मिल जाएगा। नहीं खेल सकते बालवीर जी, हम आपका साथ नहीं दे सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। सॉरी। चल रोहित। बाल वीर जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके कुछ काम नहीं आ सकते, सॉरी। हाँ बाल वीर जी, हम नॉर्मल मैच इन पिद्दियों से नहीं जीत सकते तो एलियन से कैसे जीतेंगे? बच्चों, अगर हम ये क्रिकेट मैच नहीं खेले तो हम अपनी धरती को नहीं बचा पाएंगे। हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें क्रिकेट मैच किसी भी हाल में खेलना ही होगा। लेकिन राजवीर, एलियंस तो कितने डेंजरस होते हैं और हम साधारण बच्चे, हम उनके साथ मैच कैसे खेल पाएंगे? हाँ बालवीर, एलियन का नाम सुनते ही तो मेरा जी खट्टा हो जाता है। सच्ची, एलियंस के सामने तो मेरा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। बच्चों, जब भी कोई नया कीर्तिमान बनता है तो हर मनुष्य डर जाता है कि कौन इसे तोड़ेगा, लेकिन तब एक साहसी मनुष्य सामने आता है और वो उस कीर्तिमान को तोड़कर बताता है। बस इसी तरह हम ये अपने साहस और सूझबूझ के बल पर परग्रही वासियों को हरा सकते हैं। बालवीर जी, ये सब तो चैंपियंस है, ये सब लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं। चल रोहित, चलते। हाँ। माफ करना। राम राम। बच्चों, दूसरी दुनिया के प्राणियों को क्रिकेट खेलना अच्छे से नहीं आता और इसीलिए अगर हम कड़ी मेहनत करें तो उन्हें हरा सकते हैं। बच्चों, तुम सब खुशकिस्मत हो कि तुम्हें धरती को बचाने का मौका मिला है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो और अपने आप को साबित करो। हाँ दोस्तों, बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम पूरी हिम्मत से और मेहनत से वो मैच खेलेंगे तो एलियंस को जरूर हराएंगे। हाँ, अगर हम एक टीम की तरह एक होकर खेलेंगे तो पक्का जीत जाएंगे। हम एलियंस का जी खट्टा कर देंगे और हमारा मन मीठा हो जाएगा और अब हम एलियंस को हरा के अपने धरती का बचा लेंगे। हाँ। तेज गेंद बहुत ही अच्छी डालते हो और इसीलिए हमारे गेंदबाजी की पारी की शुरुआत तुम ही करोगे। बहुत अच्छे, थैंक यू बालवीर। रोहित, कम ऑन। रोहित, तुम घूमते हुए गेंदों को बहुत अच्छे से खेलते हो और हर बॉल पर बहुत अच्छे रन भी बनाते हो। बस इसी तरह अच्छे से खेलते रहो। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। और बालवीर जी, वो क्या ना, मोंटू बॉस ने मुझे मेरी लाइफ में बहुत घुमाया, इसलिए मुझे घूमती हुई बॉल भी ना सीधी दिखाई देती है, इसलिए मैं घुमाए हुए प्लेयर्स को, मतलब स्पिनर बॉलर्स को अच्छी तरीके से घुमाता हूँ, मतलब धोता हूँ। अच्छा रोहित, तो फिर मेरी गुगली बॉल पे सिक्सर मार के दिखा। ए, बोल दे। Come on, Rohit, come on! आजी आजी आजी, चल मेरे तेज धार, दिखा दे अपनी घातक गेंदबाजी। हाँ। दे सकते हैं, यही चाहिए। मानव, तुम डर क्यों रहे हो? तेज गेंदबाजी का हिम्मत से सामना करो, डरो मत। हाँ मानव, कॉन्सेंट्रेट कर, बॉल को ध्यान से देख और फिर मार। लेकिन कैसे देखूं? जब तक मनीष बॉल फेंकता है, तब तक मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मानव, तू हट, मैं तुझे बताती हूँ कि फास्ट बॉल में कैसे खेलते हैं। अब देखना इसकी बैटिंग का कमाल। इसकी बैटिंग में है क्या बात, क्योंकि इसका नाम है दशहाथ। मोंटू बॉस, कम ऑन बॉस, कम ऑन मोंटू बॉस, कम ऑन। मोंटू, कर दिया ना तुम्हारे गुस्से ने खेल खराब, इसलिए कहते हैं आराम से खेलो। हाँ बालवीर जी, अब मैं ठीक से खेलूंगा। बॉल डालो। ए, टाइम लगा। राजा हसमटोल के दल के साथ खेलने के लिए और पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए अब हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है।